हाय दोस्तों, मैं हूँ स्वप्न और मैं आज लेके आया हूँ सोयाबीन रेसिपी। रेसिपी हमारा बहुत मज़ेदार बनाएंगे। इसके लिए हमने आधा कटोरी सोयाबीन ले लिया है। सोयाबीन को हमने पानी में भिगो के रखे हैं। इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखने देंगे और एक छोटे प्याज काट लेंगे, एक टमाटर काट लेंगे। सोयाबीन हमारा अच्छी तरीके से भीग गया है। अभी इसको दूसरे बर्तन में निचोड़ के काट के निकाल लेंगे। कढ़ाई हमने रख दिया है, तेल हमारा गरम हो गया है। अभी इसमें सोयाबीन ऐड करेंगे, आधी चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, आधी चम्मच नमक ऐड करेंगे। फिर इसको थोड़ी देर पकने देंगे। पकने के बाद थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो गया तो हम इसको निकाल लेंगे। फिर थोड़ी तेल ऐड करेंगे, आधी चम्मच जीरा ऐड करेंगे। कटे हुए प्याज ऐड करेंगे, एक चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे, कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। फिर मसाले को अच्छी तरीके से पका लेंगे हम। मसाला पकने देंगे थोड़ी देर। अभी इसमें एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच हल्दी डालेंगे और एक चम्मच नमक डालेंगे। मूंगफली के दाने को हमने पहले से घर में फ्राई करके कूट के रखे थे, वो 3 चम्मच ऐड करेंगे। फिर मसाला हमारा तैयार हो गया है। इसको इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी में हमारा बॉयल आ गया है। अभी इसमें सोयाबीन ऐड करेंगे। सोयाबीन भी हमारा अच्छी तरीके से पक के तैयार हो गया है। लास्ट में इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। दोस्तों, अगर रेसिपी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। गैस का सोयाबीन हमारा पक के तैयार हो गया है। अभी इसको सर्व करेंगे। देखिए दोस्तों, कितना मज़ेदार रेसिपी है। अच्छा लगे तो चैनल को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय।